भाई क्या जबरदस्त है। राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल वेल। राधा रानी कृपा हम सब पर बनी रहे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। आज हमारी बुआ जी अपने ससुराल जा रही है पीहर से विदा हो के, और वो रेडी है अपना सब सामान पैक करके। अब बुआ जी निकलेंगी, 10:15 हो रहे हैं। अब मैंने भी आज अपना व्रत खोल लिया, एकादशी का खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को भोग लगाया था, फिर हमने खाया था। जल्दी ही खोल लेते हैं, पारन का मुहूर्त होता है अभी 10:30 बजे तक एक द्वादशी समाप्त हो जाएगी। तो ये व्रत जो है द्वादशी में ही खोला जाता है, त्रयोदशी लगने के बाद व्रत नहीं खुलता। तो द्वादशी के अंदर अंदर तीसरे या दूसरे पहर में जो द्वादशी का पड़ता है तो उसमें व्रत खोलना होता है। और बुआ घर से विदा होने में कैसा लग रहा है? जाने को दिल नहीं कर रहा मेरा, बहुत मन लग रहा था मेरा। और रह लो 10-15 दिन? ना बेटा, अब तो जाना ही पड़ेगा। दिल नहीं करता यहाँ से जाने के लिए। पता भी नहीं चला, ऐसा लगा कल परसों ही आई थी। बस ये पीहर ऐसा ही होता है। हाँ। इतना प्यार देते हैं ये हमें तो ऐसे लग रहा था नवरात्रों में आई जैसे मम्मी सच में घर में आगे बैठ गई हो। कह रही हूँ ना, ऐसे ही फील आ रहा था। देते हैं ये सब मुझे तो, इतना अच्छा लगता है। हाँ। यही है बस, इनके बस आशीर्वाद यही है, खुश रहे। बच्चे भी इतना खुश थे, आयांश तो मतलब कि बुआ के हाथ से ही खाना खाता था। जैसे कि मेरी माँ जी खिलाती थी ऐसे ही खाऊंगा मैं भी। बुआ जी मुझे अपने हाथों से खिलाओ। आई काव्या भी उठ के आ गई है। मेरा बच्चा है ये। आयांश नहीं उठा अभी, बताया नहीं बुआ जी जा रही है। मेरे बच्चा है, बच्चा है। फ्रेंड्स ये देखो मेरा नया सूट जो मैं जयपुर से लेके आई थी। कैसा लग रहा है? बंदेज में है ये। जब हम शादी में गए थे अपनी कजन सिस्टर की, तो जब गोविंद देव जी के टेम्पल से दर्शन करके आए थे तो वहाँ मार्केट पड़ी थी, तब मैंने वहाँ से ये लिया था बंदेज में। मैंने बोला भी था मैं आपको जब ये रेडी हो जाएगा तो दिखाऊंगी भी। ये मैंने इसमें फुल स्लीव कराई है और इसकी बंदेज की ही पजामी है। पैंट सिलवाई है मैंने वैसे इसमें। आप कह रहे होंगे कपड़े बदल लिए, सुबह सुबह ट्रेंड जल्दी हो रही थी और ठाकुर जी का भी भोग लगाना था टाइम से, तो आसी वाले दिन व्रत खोलना होता है, तो तब तो ऐसे ही कोई रैंडमली सूट डाल दिया, फिर बाद में मैंने चेंज करके इसे डाला। फ्रेंड्स हम देखो कहाँ पहुँच गए हैं, अभी आपको सरप्राइज मिलेगा एक जादू की नगरी में। फ्रेंड्स यहाँ से बैंड बज रहे हैं, ये हैंड्स पर कल से गायब ना हो। ओ भाई ये क्या है, ये सिर चकरा जाएगा। ओ फ्रेंड हम कहाँ पहुंच गए? ओ देखो हम कितने सारे हो गए।
देखो मैजिक, साइंटिफिक मैजिक, यहाँ ये ट्रायंगल दिख रहा है और यहाँ से दिखेगा स्क्वायर। कहाँ रह जाते हो तुम लोग हैं? फ्रेंड्स ये देखो जैन चावल, चावल वाला है, ये बहुत मशहूर है। पर हमारे बच्चे यहाँ खाने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, तो हम कहीं और खाएंगे, हम मैं और मेरे हस्बैंड का भी फिर आके यहाँ देखेंगे कैसा खाना है यहाँ का। फ्रेंड्स हम आ गए हैं वेगा, वेगा है ना रेस्टोरेंट का नाम, वेगा रेस्टोरेंट में, सीपी में। सारे और रेस्टोरेंट में तो हाउसफुल चल रहा था, पब्लिक वेटिंग में चल रही थी, यहाँ पे हमें सीख मिल गई। अब यहाँ पर हम खाना खाएंगे। फ्रेंड्स अब हम खाएंगे फायर पान। चाची के हॉनेस्ट रिएक्शन। चाची कैसा रिएक्शन था आपका जब गया? चाची कैसा रिएक्शन था? मतलब कुछ तो कुछ भी नहीं लगा। मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। फ्रेंड्स आए बच्चे ने खूब एंजॉय किया, खूब बहुत अच्छी जगह है म्यूजियम ऑफ रिलीजन। बच्चों को वहाँ एक बार जरूर लेके जाना चाहिए। साइंटिफिकली भी, मैथमेटिकली भी चीज़ों को बहुत अच्छे से वहाँ रिलीजन क्रिएट कर रखा है। और क्या कहते हैं, सुबह बुआ जी विदा हो गई, वो भी अपने घर पहुंच गई राजी खुशी अपना। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप यू एंजॉयड माय ब्लॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे, गुड नाइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।